चाकू की नोक पर 14 साल के मासूम के साथ बलात्कार, एक बार नहीं कई बार हुआ बलात्कार। मामला है साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का। 5-6 महीने पहले ये मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी सामने मछली की दुकान पर काम करने वाला 25 साल का लड़का ईस्ट मासूम को चिप्स खरीदने के लिए उसे बुलाने लगा। लड़की ने पहले मना किया, उसके बाद उसने उसे चाकू दिखा के धमकाया और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर रेप किया। इस मासूम के साथ हैवानियत की कहानी बस इतनी ही नहीं है, वो लड़का कई बार उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा है। लड़की उस धमकी से काफी घबराई हुई थी। बार बार के बलात्कार के बाद लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन जान से मारने की धमकी के कारण लड़की ने किसी को नहीं बताया कि वो गर्भवती हो गई है। 5-6 महीने बीत जाने के बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो उसने अपने परिवार वालों को बताया। परिवार ने जब इस लड़की को दिखाया तब पता लगा कि लड़की 5-6 महीने से गर्भवती है। तो चिप्स खरीदने चल तो मैं लालच में गया तो मेरे को सीआर पारक ले गया था। क्या गलत काम किया? हाँ, एक बार आरजेड में ले गया था। तो डराया था। क्या किया, गलत काम किया था? हाँ, ये तो पहली नरका बन के रखती थी, वो ये खुद ही नरका बनने चाहती थी। नरकी यही इनका फायदा उठा दिया और नरका के साथ में ऐसे बच्चा बच्चा के साथ में खेलती थी, ऐसे नरका बन गया। फिर उनका बाद में तो ऐसे मदर मांगने चाहती हूँ, सबसे हेल्प मांगने चाहती हूँ। और ये बच्चे को क्या करूँगी, मैं बच्चे को मेरे को नहीं चाहिए। मेरा बच्चे खेलता कूदता था तो लड़का मैंने टॉफी के बहाने में उसको बुला के ले जाता था, तो उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो 6.5 महीने का बच्चा है, अब मैं क्या करूँ बताओ। लड़के का सजा हो गया तो लड़की का जो बच्चा होने वाला, तो क्या करूँ, कुछ आवश्यक नहीं हो सकता है। हाँ, सरकार से मैं मदद मार रहा हूँ, महिला आयोग से, सबसे मैं चाहता हूँ, गरीब आदमी हूँ, सब लोग सहायता करें। अभी जिस तरीके से अब जो आपकी बच्ची की जिंदगी हुई, किस तरीके से आप उसका भविष्य कर पाएंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र में बेगर शादी के बच्चा होना, किस तरीके से आप उसका भविष्य? आप लोग सरकार लोग करेगा, हम तो काम करने वाले आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं। जो सरकार जो चाहते हैं बच्चे को, जो 6.5 महीने का तो ऑपरेशन हो सकता नहीं, छोटा बच्चा है, उसकी भी उम्र 14 साल का है लड़की। जो आप लोग सरकार लोग जो भी मदद करना चाहते हैं कर दीजिएगा, गरीब आदमी हम लोग सब। डॉक्टरों ने बताया कि अब इस बच्चे का अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। पीड़िता का परिवार और खुद पीड़िता इस बच्चे को नहीं चाहता, क्योंकि एक तो खुद पीड़िता 14 साल की है, दूसरा पीड़िता के घर वालों की माली हालत काफी खराब है। 14 साल की बच्ची का बच्चा हो जाए तब समाज में ये लोग उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे, लिहाजा इस परिवार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करें भी तो क्या करें। फिलहाल वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि होने वाले उस बच्चे का भविष्य निर्धारित हो। पीड़िता के इस दुख की जानकारी एक एनजीओ को पड़ी, एनजीओ परिवार के लोगों के साथ खड़ा हुआ, गोविंदपुरी थाने में मामला दर्ज करवाकर अपराधी को जेल भिजवा दिया गया। बहरहाल पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब इस मासूम के साथ क्या होगा? एनजीओ ने मासूम की परेशानी को लेकर महिला आयोग को पत्र लिखकर मदद की गुहार भी लगाई है और चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पीएमओ भी इस लड़की की मदद के लिए सामने आए। ये एक केस गोविंदपुरी थाने के जो पड़ता है, हमारी संस्था हमारी विचार में आया, एक छोटी बच्ची और उसके माता पिता हमारे पास बड़े घबराए हुए, रात को करीब 12 बजे करीब हमारे पास आए, जिसमें बच्ची जो की उम्र थी वो 14 साल मात्र थी। बच्ची का पेट थोड़ा निकला हुआ था, हमने उसको थोड़ा पहले उसका डर निकाला, फिर समझाया पूछा, तो बच्ची ने उसके माता पिता ने बताया कि बच्ची के साथ में रहने वाला एक व्यक्ति जो उनके साथ में दुकान पर काम करता है,
बहुत जिसकी उम्र करीब 25-26 साल थी, वो करीब 6 महीने से डरा धमका कर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिससे बच्ची गर्भवती हो गई और 6 या 7 माह का गर्भ, जो कि पता चलता है। तो हम उसको लेके गए, उसी समय हमने पुलिस को खबर करी। पहले पुलिस ने भी बहुत आनाकानी करी, उसके बाद हमने थोड़ा सा बताया कि हम NGO से आए हैं, हमारे सारे लोगों ने मिलकर जब वहाँ पे इकट्ठे होकर धरना दिया तो पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए उसको मेडिकल लेके गई। मेडिकल में जाके पता चला कि बच्ची सच में ही गर्भवती है और 6 महीने का गर्भ उसके पेट में है। तो जो बच्ची की स्थिति जो हमारे सामने आई, उससे डॉक्टर ने ये बताया कि ना तो इसका गर्भ गिराया जा सकता है, ना इसके साथ अब कुछ और कुछ करा जा सकता, कोई ट्रीटमेंट इसका। तो अब 14 साल की बच्ची है ये, डॉक्टर ने इसको गर्भ लाने के लिए मना कर दिया। तो कोई हमने अब सरकार से, महिला आयोग से और सबसे ये बोला कि आगे बढ़ के आए और इस बच्ची की मदद करें, क्योंकि बच्ची अकेली नहीं है, अब उसके साथ एक और बच्ची, उसके पेट में एक और बच्चा पल रहा है। माँ बाप बहुत गरीब हैं, बहुत ही बेसहारा लोग हैं और कोई इनके साथ आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। तो मेरी सबसे अनुरोध है सरकार से, दिल्ली पुलिस से और PMO साहब से कि इस बच्चे के लिए आगे आएँ और इसकी मदद करें। और साथ साथ जो हम सेफ दिल्ली ब्रेव दिल्ली का नारा लगाते जा रहे हैं, उस नारे के चलते हुए ये बच्ची आज ये काम अगर दिल्ली का सबके सामने आता है तो मेरा ये कहना है फिर दिल्ली डर के अंधेरे काले साए में डूब जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये इसकी मदद की जाए और ऐसे केस दोबारा ना हो, उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है। पूरे मामले में क्या FIR दर्ज हो गया, आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक? उस कहते हैं पुलिस की पे जब हमने दबाव बनाया हमारी NGO ने, तो उसी समय पुलिस ने उसको दबोचा आरोपी को। आरोपी को अगले दिन कोर्ट में पेश करा गया और कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है उस समय। लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकल रहा है। समाधान तो ये निकल रहा है कि बच्ची के साथ आगे क्या किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चियों की रक्षा सुरक्षा के लिए तमाम योजनाएं सरकारें चला रही हैं। अब देखना ये है कि क्या कोई ऐसी भी योजना है जो इस पीड़िता की मदद करती है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि ये परिवार काफ़ी दुविधा में है। अब देखना ये है कि इनके लिए मदद का हाथ कौन बढ़ाता है। अब्दुल वाजिद, दिल्ली समाचार एक्सप्रेस।